हेलो गाइस, वेलकम टू परीक्षा पाठशाला। आई हिमांशु शर्मा वेलकम्स यू ऑल टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए फैक्ट बेस्ड वीडियो के अंतर्गत एक टॉपिक लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हर दिन मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर के आता हूं जो कि फैक्ट बेस्ड होता है, जो कि रिलेटेड होता है हमारे करंट अफेयर से। लेकिन दोस्तों, जब भी कभी कोई डिफेंस रिलेटेड टॉपिक आ जाता है, रक्षा संबंधी कोई टॉपिक आता है, मेरी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं मैं उस टॉपिक को आप लोगों के पास पहुँचाने के लिए और ज़्यादा उत्सुक हो जाता हूँ। तो उसी सीरीज़ में आज मैं लेकर के आया हूँ जो टॉपिक, उसका नाम है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, जिसे आईडेक्स इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के नाम से जाना जा रहा है, जिसे 29 सितंबर 2020 को रक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, ये शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, परीक्षा पाठशाला अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। आप हमसे जुड़ सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब, आप लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आप परीक्षा पाठशाला के हमारे फेसबुक अकाउंट से जुड़ सकते हैं। परीक्षा पाठशाला बाय हिमांशु सर के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, आप उस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। उसके अलावा परीक्षा पाठशाला का अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी, आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए, तो हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर सेशन स्टार्ट करने से पहले कि ये जो सेशन है, ये कल, मतलब ये जो सेशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस सेशन के लिए ये जो हमारे माननीय रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने कल एक डिस्क फोर लॉन्च किया है। डिस्क क्या है? डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज फोर, इसको लॉन्च किया। और इसी के साथ साथ उन्होंने बता दिया है कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस की हम बात करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बिपिन रावत जी माननीय CDS, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। ये एक नई पोस्ट बनाई गई है इसी साल और ये पहले व्यक्ति जो इस पोस्ट पर बैठे हैं। इसी के साथ मैं आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि ये है हमारे रक्षा मंत्री, आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे कौन है। ये है हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी। ये है हमारे डिफेंस जो मिनिस्ट्री है उसके सचिव अजय कुमार जी, डिफेंस के मिनिस्ट्री के सचिव। तो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है वो है राजनाथ सिंह, एग्जाम में काम आ सकते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी, जनरल बिपिन रावत जी हैं। उसके बाद में हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो है अजय कुमार जी, और हमारे जो डिफेंस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो है श्रीपद यशो नायक जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के। चलिए, तो अपन यहाँ पर सेशन स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, कल मतलब 29 सितंबर 2020 को माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा एक स्टार्टअप लॉन्च किया गया है। इसको नाम दिया गया डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस चैलेंज का जो मोटिव है, इस चैलेंज का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, और साथ ही साथ यहाँ पर और क्या लॉन्च किया गया है। दूसरा यहाँ पर लॉन्च किया गया है आईडीएक्स 4G और प्रोडक्ट मैनेजमेंट अप्रोच PMA की गाइडलाइंस को भी लॉन्च किया गया है सेम इसी इवेंट में। चलिए, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं कि ये सब क्यों किया गया है। यहाँ पर अगर अपन बात करें अंडर द डिस्क फोर 11 चैलेंजेस, कितने डिस्क फोर के अंतर्गत 11 चैलेंजेस, 11 चैलेंजेस को गवर्नमेंट ने, मतलब इन्होंने क्या किया है, बना है किसके लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए। हमारी OFB यहाँ पर है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मतलब है जहाँ पर हमारे गोला बारूद असला बनाया जाता है उसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोलते हैं, और उसका एक बोर्ड है जो कि पूरे इंडिया की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को रेगुलेट करता है। और DPSU का मतलब होता है डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे कि हॉल है, जैसे कि DRDO है, जैसे कि हमारे जो इसरो है, या फिर जहां पर हमारे इनका रिसर्च होता है उनकी बात कर रहे हैं। वर मेड ओपन टू स्टार्टअप इनोवेटर्स MSME इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देयर इनोवेटिव आइडियाज ऑन टेक्नोलॉजी। इन्होंने क्या किया है, OFBs और DPSU ने ओपन कर दिए गेट स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेटर्स के लिए। अगर आपको कोई इनोवेशन है और आप डिफेंस में जाकर के कुछ अच्छा इनोवेशन करना चाहते हैं तो आप वहां जा सकते हैं। साथ ही साथ आपके आइडिया और आपकी तकनीक का उपयोग हमारी सेना के लिए किया जा सकता है। और हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने चैलेंज में इंक्लूड किए हैं, तो वो 11 चैलेंजेस क्या हैं। सबसे पहला चैलेंज ये है कि ऑटोनोमस अंडर वाटर स्वान ड्रोन। ड्रोन आप लोग समझते हैं, इसमें अपन को ऑटोनोमस अंडर वाटर पानी के अंदर चलने वाला ड्रोन चाहिए है। एक तो ऐसा हमें ड्रोन बनाना है, डेवलप करना है। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड का मतलब होता है जहां पर हम इंसानों का कम से कम उपयोग करें और तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें सैटेलाइट इमेज एनालिसिस के लिए। प्रिडक्टिव प्रिवेंटिव प्रिस्क्रिप्टिव मशीन मॉनिटरिंग,
तो यहां पर अगर मैं बात करूं सबसे पहले किसकी, प्रिडक्टिव की, मतलब हम यहाँ पे अंदाजा लगा पाए, प्रिवेंटिव की मतलब हम रक्षा कर पाए, प्रिस्क्रिप्टिव की मतलब हम आदेशात्मक मशीन बना पाए, मतलब जो पहले से अंदाजा भी लगा ले, जो सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छी हो और जो हमारे आदेशों को मान ले, ऐसी वाली मशीन चाहिए जो ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक का मतलब होता है वो खुद से ही कार्य करे, ऐसी हमें मशीन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इस चैलेंज को हम लेकर के चल रहे हैं। दूसरा, इसके बाद में आते हैं अपन रिडक्शन ऑफ आरसीएस ऑफ नवल वॉरशिप, नेवल वॉरशिप्स के जो आरसीएस है उसको क्या करना, कम करते जाना। सुपर रेजोल्यूशन फॉर इंप्रूविंग स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करें तो स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है आकार या विषय वस्तु, जो हमें दिखाई देने वाली चीज है उसका डिजाइन कैसा है, वो कैसा है, किस जगह पर है, किस तरीके से है, उसकी क्या कर पाए अपन, अच्छे से उसकी इमेज ले पाए। कंप्यूटर जनरेटेड टारगेट फॉर वर्चुअल ट्रेनिंग, कंप्यूटर जनरेटेड टारगेट्स जो होंगे उसको किस तरीके से खत्म किया जाए वर्चुअली उसकी ट्रेनिंग के लिए। टारगेट डिटेंशन इन शेफ एनवायरनमेंट, शेफ एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो जगह जो क्लियर नहीं होती है, जो क्या होती है, अव्यवस्थित होती है, जैसे कि फॉग है, जैसे कि बारिश है, या हम बात करें जंगलों की बात करें जहां पर हमें चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, ऐसी चीजों में क्या करना है, टारगेट को ढूंढना, ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। रिमोट रियल टाइम इन फ्लाइट हेल्थ मॉनिटरिंग ऑफ एयर क्रू, जो भी हमारे फ्लाइट में एयर क्रू है, हमारे चाहे किसी भी तरीके की एयरक्राफ्ट हो, उनकी रियल टाइम हमको क्या करना है, फ्लाइट हेल्थ की रिक्वायरमेंट है, एक ये बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा एमएफ, इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं एमएफ टीडीएमए, एमएफ टीडीएमए इज अ मल्टी फ्रिक्वेंसी टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, मल्टी फ्रिक्वेंसी टाइम डिवीजन मल्टीपल मल्टीपल एक्सेस, ये क्या है, ये हमारा वाइड बैंड है ना। और बात करें सेटकॉम की तो सेटकॉम का मतलब होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाले मॉडल्स, इनकी हमें रिक्वायरमेंट है, ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। प्रिडिक्शन एंड फोरकास्टिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक विजिबिलिटी, मतलब जो पर्यावरण, जो वातावरण है उसकी विजिबिलिटी कैसी, इसका हमें पहले से इसका क्या लग जाए, अनुमान लग जाए, या इसकी हमें कहीं से पहले से सूचना मिल जाए, फोरकास्ट कर दिया जाए, एक बड़ा चैलेंज है। फॉलिएज, फॉलिएज पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, फॉलिएज पेनिट्रेशन की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इस तरीके की बात होगी कि कैसे भी इसको अपन ब्रॉड लेवल पर बात कर पाए। ठीक है, रडार की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्लियर है इतना। आगे चलें इसके बाद में हम नेक्स्ट, तो आपको पता होगा IDX4 फौजी इनिशिएटिव, ये कि भारत में पहली बार ऐसा एक कदम उठाया गया है, IDX4 फौजी इनिशिएटिव बोला जा रहा है, ये पहली बार भारत में इस तरीके का कदम उठाया गया, इस तरीके का इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें सपोर्ट द इनोवेशंस आइडेंटिफाइड बाय द मेंबर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ऐसे हमारे जो सेना के जवान हैं, जो सेना के लोग हैं, उनके आइडियाज को हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे, और उसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे, फील्ड में जो वो काम कर रहे हैं उसको और अच्छे से इम्प्रूव करवा पाएंगे। दूसरा, IDX इनिशिएटिव स्टैंड एज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड वेल एग्जीक्यूटेड डिफेंस स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ द एपेंट्री। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये एपेंट्री नहीं, ये है कंट्री। ठीक है, सॉरी, ये हो गया है कंट्री। तो कंट्री की अगर अपन बात करें तो एक बहुत अच्छा यहाँ पर इको सिस्टम तैयार किया गया है, कौन सा, IDX नाम का। द इनिशिएटिव वुड बी द डिसिसिव स्टेप फॉर इंडियन अचीविंग द सेल्फ रिलायंस। अब आपको पता होगा भारत, हम आत्मनिर्भर भारत कैंपेन की तरफ काम कर रहे हैं, और आत्मनिर्भर भारत कैंपेन को बढ़ावा देने के लिए डिफेंस सेक्टर में हम लोगों ने इम्पोर्ट को कर दिया है कम और एक्सपोर्ट को करा है हमने ज़्यादा, मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में भारत को डिफेंस सेक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। उसी के अंतर्गत डिफरेंस स्टेक होल्डर्स, अलग अलग जो कंपनीज हैं उनको लाया जा रहा है, उनके इनोवेशन को हम क्या कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें लाने का मौका भी दिया जा रहा है। यहाँ पर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करवाया जा रहा है देश में, ताकि कोई भी स्टार्टअप अगर चाहता है डिफेंस सेक्टर में कोई किसी तरीके का इनोवेशन करना, तो उसे यहाँ पर मौका दिया जा सके। आगे हम बात करें, ये हमारे भारत को आत्मनिर्भर भारत बनने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये कदम हो सकता है। द गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस स्टेप इंक्लूडिंग द पार्टनरशिप विद प्राइवेट सेक्टर। डिफेंस में हमने प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप को भी प्रमोट कर दिया है, और साथ ही साथ 74% का FDI भी अलाउ कर दिया है डिफेंस सेक्टर में, मतलब विदेश से विदेशी कंपनी हमारे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो हमारी कंपनीज हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, उनमें 74% तक का FDI कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको याद होगा 101 डिफेंस आइटम्स को हमने क्या किया था, जुलाई के अंत में इसे बैन कर दिया था, और इनके इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था, तभी ये डिसाइड किया गया था कि हम भारत में डिफेंस के जो भी इक्विपमेंट्स हैं उसको खुद बनाएंगे, ना कि उसे
किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करेंगे। इसी को लेकर के 28 सितंबर 2020 को डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर डी ए पी 2020 की गाइडलाइंस दी गई हैं, ताकि हम क्या कर सकें, एनकरेज कर सकें प्राइवेट सेक्टर्स को हमारे डिफेंस सेक्टर में। तो दोस्तों ये जो टॉपिक था इसमें आप लोगों को एक चीज़ समझ आ गई होगी, भारत जो है वो डिफेंस सेक्टर में दूसरे देशों पर जो डिपेंडेंट था उस पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए, खुद सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। उसी को लेकर के ये जो चैलेंज है, ये जो डिफेंस चैलेंज यहाँ पर उन्होंने शुरू करवाया है, यहाँ पर अगर अपन देखें कि किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, डिफेंस इंडिया यहाँ पर क्या करवाया जा रहा है, चैलेंज जो लॉन्च किया गया है, इस चैलेंज की अगर अपन बात कर रहे हैं, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज की बात कर रहे हैं, ये जो चैलेंज है ये लाया गया है। चैलेंज को क्यों लाया गया, ताकि हमारी कंट्री की जो कंपनीज है प्राइवेट सेक्टर की वो इसमें इन्वॉल्व हो सके। तो दोस्तों यदि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप सभी का चैनल से जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।